My dear friends, today we're meditating on the promised verse which is in John 7:38. मेरे प्रिय मित्रों, आज हम मनन कर रहे हैं उस आयदे पर जो यूहन्ना 7:38 में है। Whoever believes in me, rivers of living water will flow from within them. जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। Yes, my dear friends, today as you believe in God, God will make living waters to flow out from you. हाँ मेरे प्रिय मित्रों, आज जैसे आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर होने देंगे कि जीवन जल की नदियां आपके हृदय में से बह निकलेंगी। Yes, I heard this testimony from someone named Priestley. हाँ, मैंने ये गवाही सुनी थी किसी से जिसका नाम प्रीस्टी है। He used to drink even from a young age. और जब वो छोटा ही था तब से उसको शराब पीने की बहुत गंदी आदत थी। When he got married, his wife said, "Don't drink anymore. Leave this habit." और उसकी जब शादी हो गई, उसकी पत्नी ने कहा, इस आदत को छोड़ दो, अब मत शराब पियो। But even then he was drinking and he started drinking a little bit more. लेकिन फिर भी वो शराब पीता रहा और ज्यादा पीने लग गया। And because of an argument that him and his wife had, he had abused his wife and his wife lost the 8-month baby that she was carrying in her womb. और जो है उनके बीच में एक दिन किसी बहसबाजी हुई और किसी लड़ाई झगड़े के तहत उसने जो है उसकी बीवी ने जो है 8 महीने का बच्चा जो है उसके गर्भ में था वो खो गया। And because of this, she had left him. और इसकी वजह से उसने उसे छोड़ के चली गई। Because of this agony, he started drinking a little bit more. और इस दुख में जो है वो और भी ज्यादा पीने लग गया। And because he had such a big drinking problem, he was wanting to have more money and spend that money in buying more alcohol. तो इसलिए शराब पीने की जो उसकी गंदी आदत थी उसकी जगह उसलिए उसको और पैसा चाहिए था ताकि वो और शराब खरीद कर पीने पाए। He sold all the things in his parents' home and he started to drink. और उसके माँबाप के घर में जितनी भी चीजें थी उसको उसने बेच दिया, बेचना शुरू कर दिया और पीने लग गया। And he said that I was literally living like a beggar. और उसने कहा मैं बिल्कुल एक भिखारी की तरह अपना जीवन व्यतीत। In that situation, he visited the Jesus Calls prayer tower because he knew that his mom would always go there. और इस स्थिति में जो है उसने जो है जीसस कॉल्स प्रेयर टावर को वहाँ पे गया क्योंकि उसको मालूम था उसकी माँ हमेशा वहाँ जाती थी। His mom wasn't there. और जब वो गया उसकी माँ तो वहाँ नहीं थी। But the prayer warriors welcomed him with so much of love and compassion. लेकिन जो प्रार्थना वाले लोग थे उन्होंने जो है कितनी करुणा से और कितने प्रेम से उनको उसका स्वागत किया। He said, "I looked so like a beggar and I looked so bad, but then they didn't see any of it and they welcomed me with so much of love." उसने कहा मैं बिल्कुल भिखारी जैसा लग रहा था, भिखारी किस स्थिति में था, लेकिन उन्होंने सबको नहीं देखा, जैसा मैं था मेरा स्वागत किया। Because he had felt so much of hateful words, he felt so much of shame because he was laying in the street without knowing anything when he was drunk. और कितनी नफरत भरी बातें और कितनी शर्मिंदगी वाली बातें उसने सुनी थी क्योंकि वो ऐसे ही अदमना सा जो है लेटा रहता था सड़कों पर जब वो इतना पी चुका होता था। Everyone was teasing him, making fun of him, yelling at him, scolding him. सब लोग उसको चिढ़ा रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे, उसके ऊपर चिल्लाते थे। All his family members left him. उसके सारे परिवारजनों ने उसे छोड़ दिया। But in that situation, the love captured his heart. लेकिन ऐसी स्थिति में जो है उस प्रेम में जो है उसके हृदय को जकड़ लिया। So he started coming again and again to the prayer tower, attended a lot of meetings. और इसीलिए वो बार-बार जो है प्रेयर टावर आता रहा और खूब सारी मीटिंग्स को उसने अटेंड किया। In one of the meetings, the preacher said. और एक मीटिंग में जो है प्रचारक ने कहा। God is living a holy life. परमेश्वर जो है एक पवित्र जीवन बिताते हैं। Can't you live a holy life for him? क्या आप उसके लिए एक पवित्र जीवन नहीं बिता सकते? So that word touched his heart. इन शब्दों ने उसके हृदय को छू लिया। He loved Jesus so much, so he wanted to live a holy life for him. वो यीशु से इतना प्रेम करते थे कि वो एक पवित्र जीवन बिताना चाहते थे। He said, "I'm going to leave my drinking habit." उसने कहा, मैं अपने शराब पीने की इस आदत को छोड़ दूँगा। And do you know what happened? और आपको मालूम है कि क्या हुआ? He had taken a lot of treatment from rehab centers, but nothing worked. Rehab centers से उसने काफी चिकित्सा ली थी, लेकिन कुछ काम नहीं आया। But then he said, because I prayed at Jesus Calls and I prayed to Jesus, God had removed this drinking habit from my life. और उसने कहा क्योंकि मैंने Jesus Calls में जाकर प्रार्थना करी थी, यीशु से प्रार्थना करी थी, इसीलिए ये पीने की आदत को परमेश्वर ने मेरे जीवन से निकाल दिया। Now his life is totally transformed. और अब उसका जीवन बिल्कुल बदल गया है। He is successful in his job. अपने काम में वो सफल है।
The same people that mocked him are now praising him, seeing how much God has blessed him. और वही लोग जो उसका ठट्ठा उड़ाते थे आज उसकी प्रशंसा कर रहे हैं कि देखो परमेश्वर ने कितनी आशीष दी है. Even his character totally changed. उसका चरित्र भी एकदम बदल गया है. Yes, my dear friends, today living waters are flowing out of him. हाँ मेरे प्रिय मित्रों आज जीवन जल की नदियाँ उसमें से बह रही हैं. Today you may be praying for your family members. हो सकता है आज आप अपने परिवारजनों के लिए प्रार्थना कर रहे हो. Being worried about your son or your daughter. चिंतित होंगे अपने बेटा या बेटी के लिए. Your husband or your wife. अपने पति या पत्नी के लिए. Your father or your mother. अपने पिता या अपनी माता के लिए. For your brother or your sister. अपने भाई या अपनी बहन के लिए. Today God is able to transform their life. आज परमेश्वर जो है हो सकता है कि उनके जीवन को बदल दे. And he will change them so that living waters will flow out of their heart. और वो जो है सब कुछ को बदल देंगे ताकि उनके हृदय में से जीवन जल की नदियां बहने लगेंगी. Living waters will flow out of your family members. और जीवन जल की नदियां जो है आपके परिवार जनों के जीवनों से बहने लगेंगी. God will pour his salvation upon them and transform their life. परमेश्वर अपना उद्धार उनके ऊपर उंडेलेंगे और उनके जीवन को बदल देंगे. As they start believing in him, you will see a difference in their life. और जैसे वो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं आप देखेंगे उनके जीवन में कैसे अंतर आता है. Let's thank God for this blessing today and receive it. और आज हम इस आशीष के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और उसे पा लेते हैं. Lord, I pray for everyone watching this program. परमेश्वर हर एक जन जो इस प्रोग्राम को देख रहा है उसके लिए मैं प्रार्थना करती हूं. They may be praying for their loved one. हो सकता है आज वो अपने परिवार जनों के लिए अपने नजदीकी लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं. So that their lives will be transformed. ताकि उनका जीवन बदला जा सके. Today they may be praying for themselves for you to forgive their sins, Lord. हो सकता है परमेश्वर वो अपने लिए प्रार्थना कर रहे हो कि आप उनके पापों को क्षमा करने पाए. Today cleanse them with your blood. परमेश्वर आज उनको शुद्ध साफ करें अपने लहू से. Make them new. एकदम नया बना दें. Whatever was in the past, whoever they were in the past should not be who they are today. और जो भी कुछ उनके बीते दिनों में था परमेश्वर ऐसा ना हो वो आज उनके जीवन में हो. Today they will be new. Who will have living waters flowing out of them? आज वो बिल्कुल नए होंगे जिनके अंदर से जीवन जल की नदियाँ बहने वाली होंगी. Love should pour out of them. उनके अंदर से प्रेम बहने लगे. Compassion should flow out of them. आपकी करुणा उनके अंदर से बहने लगे. And their lives will be totally different. और उनका जीवन जो है एकदम अलग हो जाएगा. Pleasing in your eyes. आपकी नजरों में मन भावना होगा. And a comfort to people. और लोगों को सांत्वना देने वाला होगा. Bless them, Lord, and fill them with His living water that is in you. आशीष दे परमेश्वर उनको और उनको भर दे उस जीवन जल से जो आपके अंदर है. And let them be placed in high positions in life. और अपने जीवनों में वो ऊंचे स्तर पर स्थापित किए जाएं. Bless them today. उनको आशीष दे आज. Jesus name I pray. यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ. God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे.